एक बार फिर आपके साथ में जुड़ चुका हूं आवाज़ न्यूज़ 24 के साथ। यदि राजनीति नीति के साथ में खेल ली जाए, नीति के साथ में उसकी अनुपालना की जाए, तो कहीं ना कहीं देश की स्थिति और देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं संभलती हुई हमें नज़र आ सकती है। एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर महेश जोशी ने जो क्रिया की, उस क्रिया पर प्रतिक्रिया दी डॉक्टर रामलाल शर्मा, भाजपा के प्रवक्ता ने। दिखाते हैं विजय जायसवाल संवाददाता के साथ में हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक जी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके की बातें कही गई, उन बातों की मैं कठोर शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। चाहिए ये कि कानून के दायरे के अंदर इन्वेस्टिगेशन के सामना सबको करना चाहिए और मैं चाहूंगा कि मुख्य सचेतक जी को अगर दिल्ली की क्राइम ब्रांच से अगर नोटिस मिला है तो वो जाए और अपना पक्ष रखने का काम करे, बजाय इस बात के लिए कि किसमें नैतिकता है और किसमें नैतिकता नहीं है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो उन्होंने एक आरोप इस बात का लगाया कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी मिलकर और जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी को बचाने का काम क्राइम ब्रांच की पुलिस को दिया है, मैं चाहूंगा कि जिस तरीके की राजस्थान की सरकार फोन टेपिंग से लेकर, ये हम आरोप नहीं लगा रहे, आप ही के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों की जो निजता है उसके ऊपर हमला करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार जो अपने कृत्यों के अंदर फंसती हुई नजर आ रही है वो पहले अपने दामन पे लगे हुए दागों को साफ करने का काम करे और फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करे। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर निशाना साधना मेरे ख्याल से अनुचित है और ये लोकतंत्र के हित में नहीं है।